एक जर्नल का नाम लिया जो रिटायर हो गया, बहुत सारे रिटायर नहीं भी हुए। क्या यहां बैठे हुए आप सारे लोग नहीं जानते, मुझे एक आदमी या एक मेरी बहन हाथ खड़ी करके बताए कि उसको नहीं पता कि अशोक शरीफ को किसने मारा। खड़ा करो हाथ, कोई एक। सबको पता किसने मारा, सब जानते हैं किसने मारा। वो क्यों गया अपना मुल्क छोड़कर, वहां जंगल में पड़ा रहा 2-2.5 महीने तक, वहां खड़ा होकर बात करता रहा कि मुझे मेरा बोलने का राइट मिलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलता रहा, शिकायत करता रहा, शिकायत लगाता रहा, जजेस को लिखता रहा। मैं साथ था, साबिर शाकिर भाई वहां से बर्तानिया से ऑनलाइन थे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। साबिर शाकिर बर्तानिया से थे, सनी इब्राहिम साहब थे, मैं भी उनके साथ था अर्शद शरीफ। वो इतना बड़ा फाइल पूरा एक पुनंदा बनाकर लेके आए थे, रिकॉर्ड यहां जो सैनेट की कायमा कमेटी है उसके अंदर निकाले वो वीडियो, देखे अर्शद शरीफ ने बताया उनको कौन मारना चाहता। आप इंक्वायरियां करवा रहे हैं, GIT बिठा रहे हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर और इंक्वायरी हो। वो अपनी जिंदगी में बताकर गया मुझे कौन मारने वाला है। निकाले वो वीडियो, उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था, सब बताया था। साबिर शाकिर ने बताया कि उसको किसने धमकी लगाई कि मुझे जहाज के अंदर से उन्होंने कहा मुझे उतार लेंगे और उतार के पाकिस्तान में लाके निशाने इबरत बना देंगे। पूछे उससे अहमद दुरानी क्यों है पाकिस्तान से भाई, मुझ पीरजादा क्यों पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा, साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहा क्यों, अर्शद शरीफ से जब बात हुई पाकिस्तान वापस आना चाहता, उसको तो पाकिस्तान में रहना था। वो जान बचाने के लिए किसके डर से भागा, सब जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और एक बात मैं क्लियर करूं, दौर चाहे इमरान खान का है, दौर चाहे PDM का है या किसी और का दौर, ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है, मीडिया अब उनसे आगे है। मेरे ख्याल में हम इतने बुजदिल और इतने कमजोर नहीं है कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा है ना मुकद्दस गाय, वो आपको टकरे मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन साफियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखे। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ, जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी यही हो रहा है, कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी को, हमें कुछ ना कहो, उनके बारे में बोलो कि वो छूत हैं, वो आप आसमान से उतर के आए हैं भाई, जो बात है वो तो होनी है ना, अब तो लोगों की आंखें खुल रही हैं। यानी हमें बहुत बड़ा हम धोखे में रहे, मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा हूं। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले हैं। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टेब्लिशमेंट ने मारा था, हम सबको भी एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। अर्शद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर गद्दारी के और बगावत के, 24 मेरे ऊपर है, 11 इधर है सनी इब्राहिम साहब के ऊपर, साबिर शाकिर पाकिस्तान से बाहर 1 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर है, वो सदीक जान उसको मुकदमा दहशतगर्दी का उसके ऊपर देके उसको अंदर दिया है। लेकिन इसके ऊपर हमारे अंदर से भी ट्रोलिंग होती है, अच्छी बात है हमने ये किया तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए, और अगर इसको रोकना है तो फिर मिलकर रोको। सियासतदान की कोई औकात नहीं है कि वो मारे, जब आपको मारेगा एस्टेब्लिशमेंट वाले मारेगा, आपको ताकतवर आदमी मारेगा, वो जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं।